आज के वीडियो में हम गूगल मैप से दूरी नापना सीखेंगे। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी पता करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं। गूगल मैप ओपन हो गया है। सबसे पहले हम यहां लोकेशन को ऑन कर लेते हैं। इसके लिए हमें यहां दबाना होगा, इसके बाद करते हैं ओके। देखिए इसने लोकेशन ले ली है, ब्लू डॉट बन के आ गया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर सैटेलाइट व्यू को ले लेंगे। यदि आपके मोबाइल में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे दबाइएगा और सैटेलाइट को टच करिएगा ऐसे, इस तरीके से। इसके बाद इसे क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ साइड में सरकाते हैं। देखिए ये है लॉर्ड नर्सिंग चौक। यहाँ से हम दूरी को नापना स्टार्ट करेंगे। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने से पेन ड्रॉप करने में आसानी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये है वो जगह। यहाँ पर अब हमें उंगली को ऐसे टच करके रखना होगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आ गया लिखे ड्रॉप्ड पेन, यहाँ पर हमने पेन को ड्रॉप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर टच करिएगा ऐसे, ऊपर सरका लीजिएगा, मेजर डिस्टेंस को दबाइएगा। देखिए अब यहाँ पर इस तरह से ये बन के आ गया है, ठीक है। अब आप चाहे तो मैप को छोटा कर सकते हैं, उससे मैप को साइड में सरकाने में आसानी होगी। देखिए इसके बाद हमको इसको ऐसे साइड में सरकाना है, इस तरह से इसे आगे बढ़ाते जाइएगा। आपको दिखाने के लिए मैंने स्ट्रेट रोड रखी है, ठीक है। ये हम इसको ऐसा लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। इससे ये आड़ा टेढ़ा नहीं होगा। कि ये आ गया नगर पालिका चौक। यहाँ पर भी हम एक पॉइंट बना लेते हैं इस तरह से। यदि आपके घर के पास में मोड़ हो तो आप यहाँ से मोड़ से इस तरह से जा सकते हैं, जहाँ पे भी आप जाना चाहें। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं सीधी रोड का चयन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम इसको और आगे ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम एक पॉइंट बना लेते हैं। इस तरह से आप पॉइंट बनाते जाइएगा। देखिए इस जगह से रोड थोड़ी बैंड हो रही है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं। देखिए मित्रों ये आ गया गांधी चौक, यहाँ पर 1.1 किलोमीटर लिखा हुआ है। मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपने किसी जगह पॉइंट को बना दिया है और आप वहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से बैक कर दीजिएगा, तो पॉइंट आपका हट जाएगा। इस तरह से आप किलोमीटर को नाप सकते हैं, दूरी को नाप सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आप जहाँ भी जाना चाहें, आप इस पॉइंट से ऐसे लेफ्ट राइट जहाँ भी जाना चाहें इस तरह से जा सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने मोबाइल में देख लीजिएगा, ठीक है। मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप रास्ता भटक जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें रास्ता भटकने से बचने की टेक्निक बताई हुई है। कीप लर्निंग, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी के साथ।